Shri Brahma Vishnu Mahesh Namah. Om Shri Brahma Vishnu Mahesh Namah. Om Shri Mata Bhagavati Swadha Devi Ji Sada Prasannam. Om Shri Mata Bhagavati Swadha Devi Ji Sada Prasannam. Om Shri Mata Bhagavati Swadha Devi Ji Sada Prasannam. Om Shri Mata Bhagavati Swadha Devi Ji Sada Prasannam. Om Shri Mata Bhagavati Swadha Devi Ji Sada Prasannam. Om Swadha Sahit Pitribhyo Namah. Ye mantra hai, is mantra ka jaap karne se bada paar ho jayega. Ye mantra samajhne mein 50 saal se dhoond raha tha. Swadha Devi pitro ko priya hai na. Om Swadha Devi Pitribhyo Namah. Bill Clinton 42वें अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जब इंडिया आई थी ना, उसने समझ लो आशीर्वाद दिया था माता स्वधा देवी का, स्वधा सिद्ध पितृभ्यो नमः। तो श्राद्ध में अगर इसका जाप करते हैं तो बेटर देन बेस्ट है, अच्छा जाएगा। अभी ना चंद्र शुक्र का संबंध बना हुआ है, जो चंद्र शुक्र का संबंध बना हुआ है, मेरे को लगता है कि ये भगवान की दया से ना बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र शुक्र का संबंध ये इंडिकेट करता है आने वाले 15 साल ना बहुत अच्छे जाएंगे। जैसे अब से 30 साल पहले जो है ना ये तुम्हारा कुंभ में आया था, शनि कुंभ में आया था, तो कुंभ का शनि इतना पैसा देता है 30 साल खर्चो दो खत्म ना हो, और जुपिटर टॉरस में वृष का गुरु इतना पैसा देता है 12 साल ख़त्म ना हो, और कुंभ में राहु आ रहा है, कुंभ का राहु इतना पैसा देता है 18 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जन्मपत्री में लगन है दादी और नाना, और दूसरा घर से पता लगता है ताई, तीसरे घर से छोटे भाई बहन और देवरानी, चौथा घर माता और ससुर, पांचवा घर बड़ा साला बड़ी साली बड़े जीजे जेठ पुत्र पुत्री, छठा घर है मामा मौसी चाची फूफी फूफा, सातवां घर है पत्नी दादा दादी पार्टनर, आठवां घर है ताऊ, नौवां घर है छोटा साला छोटी साली छोटे जीजा छोटी भाभी देवर, दसवां घर है पिता और सास, ग्यारहवां घर है बड़ा भाई बड़ी बहन पुत्रवधु जेठानी बाप की संपत्ति, बारहवां घर है मामी मौसा चाचा बुआ। तो कुल मिला के पहला घर होता है बॉडी का, व्यक्तित्व स्वभाव स्वास्थ्य शरीर धन परिवार, दूसरा घर है धन वेल्थ परिवार फैमिली वाणी भोजन क्या खाओगे, प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन साहस करेज छोटे भाई बहन संचार शौक छोटी यात्राएं, समझ लो 25 किलोमीटर तक की यात्रा या 50 किलोमीटर की यात्रा, या समझ लो लोकल में जो लोगों की दुकान होती है ना, नीचे दुकान ऊपर मकान आगे दुकान पीछे मकान। चौथा घर है माता मदर वाहन संपत्ति और सुख सुविधाएं। तो आजकल जो लोग परेशान है ना, राहु देख रहा है चौथे घर को, 6 महीने देखेगा तो कर्क राशि को जो राहु देख रहा है ना चौथे घर को, तो माता जो माताएं जो है ना वो मतलब खुशी नहीं है। चौथा घर होता है खुशी का, वाहन का, घर का, मतलब घर है 7 बेडरूम फ्लैट है लेकिन खुशी नहीं है, माता है लेकिन खुशी नहीं है, माँ भी खुश नहीं है, माँ भी खुश नहीं है, घर का माहौल भी ठीक नहीं है, वाहन सुख भी जो है ना अगले 6 महीने किस्तें देनी पड़ रही हैं भैया, माँ को पॉकेट मनी देनी है, माँ को घर का खर्चा चाहिए ना पॉकेट मनी चाहिए, पॉकेट मनी देते ना आदमी को जोर पड़ता है। राहु जो देख रहा है घर है तो घर के खर्चे हैं, सफेदी करानी है नल ठीक कराने हैं पेमेंट करनी है सैलरी देनी है नौकर की सैलरी, तो अगले 6 महीने जो है घर गाड़ी के लिए किस्तें हैं, किस्तों के चक्कर में जान निकली पड़ी है, घर का माहौल ख़राब है, राहु देख रहा है, राहु देता है चिंता, अगले 6 महीने लोगों को चिंता रहेगी, माँ को माँ की चिंता, घर की किस्तों की चिंता, घर के खर्चे की चिंता, वाहन की चिंता, पेट्रोल है पेट्रोल और ड्राइवर की सैलरी है, संपत्ति प्रॉपर्टियों की चिंता, हाउस टैक्स देना है सेल टैक्स देना है इनकम टैक्स देना है जीएसटी देना है, सुख सुविधाएं सुख सुविधाओं में है। अब जैसे
वॉशिंग मशीन की मोटर ठीक करानी है, पानी के नल टपक रहे हैं उन्हें ठीक कराने हैं, तो सुख सुविधाओं में ना उनकी चिंता रहता है राहु चौथे घर में। पांचवा घर है संतान का, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन। तो संतान के लिए, संतान को शनि देख रहा है समझ लो अगले मार्च तक, छः महीने शनि देखेगा, तो संतान की चिंता, शिक्षा की चिंता, बुद्धि की चिंता, प्रेम संबंधों की चिंता, ये धरती के लोगों को अगले तकरीबन छः महीने जब तक शनि कुंभ में बैठा है, ये संतान की चिंता देगा, बच्चों की एजुकेशन की चिंता, बुद्धि है कोई रास्ता ही नहीं निकाल पा रही, प्रेम संबंधों की चिंता, सृजनात्मक का मनोरंजन, जो टीवी सीरियल हैं, फिल्म लाइन है, ये टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये भी लोग ना बड़े अजीब से परेशान से रहेंगे, शनि देख रहा है इन्हें। तो कानून की चिंता, शिक्षा में कानून की चिंता, जैसे वो नीट हुआ था ना, नीट में एजुकेशन का चक्कर पड़ा था, मतलब ये जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक कोर्ट का चक्कर पड़ गया था ना शनि की वजह से, तो एजुकेशन में कोर्ट का चक्कर, और टीवी कलाकारों के लिए, पिक्चर फिल्म वालों के लिए कोर्ट का चक्कर पड़ गया था, पेटीएम का चक्कर पड़ गया था। जो केतु है ना वो पी पे चल रहा है, केतु है पी से पेटीएम, केतु है पी से पेजर, पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम में पंगा पड़ गया, केतु ना पी पे चल रहा है, पी फॉर पेटीएम, पेटीएम बैंक बंद हो गया, पता नहीं क्या चक्कर पड़ा, या पेजर का चक्कर पड़ गया, केतु है पी, केतु चल रहा है छः नंबर में, रोग, केतु जो छः नंबर में चल रहा है तो आदमी को ना रोगों का डर है, किसी को लगेगा मैं बीमार हूँ, किसी को लगेगा कि मतलब कि ऐसी बीमारी का डर सा बना रहेगा। केतु छः नंबर में जो केतु है ना, ये रोग से चिंता देता है, शत्रु से चिंता, आदमी लोग को लगता है कि उसके बाप के दुश्मन, माँ के दुश्मन, जैसे रावण का झगड़ा था, रावण जो है माता सीता को लेके आया, 90% जो राक्षस बने उन्होंने तो माता सीता को देखा भी नहीं था, झगड़ा रावण का, मरा कौन, मरा मेघनाद, कुंभकर्ण, समझ लो कुंभकर्ण ने तो माता सीता को देखा ही नहीं होगा, जो जितने भी राक्षस मरे वो कहते हैं ना अगला फूल सवा लग नाती उस रावण की दिया ना बाती, तो रावण जितने भी वो मरे थे अशोक वाटिका वाले, 90% राक्षसों ने तो माता सीता को देखा ही नहीं था। तो रोग, शत्रु, भय, बाप के शत्रु, मामे के शत्रु, चाचे के शत्रु, ऋण, लोन में है कि जब झगड़े होते हैं तो कर्जा लेना पड़ता है, लोन, कर्जे की चिंता, केतु बैठा है यहाँ पे कन्या में, तो रोग की चिंता, शत्रु की चिंता, ऋण की चिंता, सेवकों की चिंता, सेवकों की चिंता है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, प्रोविडेंट फंड जमा कराना है, नौकरी और दैनिक कार्य, नौकरी में आदमी डिससेटिस्फाइड सा रहता है, जो केतु है वो चिंता देता है, रोग की चिंता, शत्रु की चिंता, सारी चिंताएं। और सातवां घर है पत्नी का, विवाह, जीवन साथी, व्यापार, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन। ये ना 15 साल के बाद ठीक हुआ है, 15 साल के बाद जो है ना विवाह, जीवन साथी, व्यापार, साझेदार और सार्वजनिक जीवन, तो लोगों की जो पब्लिक लाइफ है ना अब ठीक होगी 15 साल के बाद। उसमें था कि इस धरती के लोग ना पिछले 15 साल समझ ले विवाह से खुश नहीं थे, इस धरती की औरतें जो हैं पिछले 15 साल मैरिज से खुश नहीं थी, समझ गई। तो जो तुला राशि है वो है विवाह की, तो इस धरती के लोग पिछले 15 साल से ना 15 साल मैरिज से डिससेटिस्फाइड थे, गलत आदमी से शादी हो गई, और कई औरतें तो यहाँ तक कहती थी कि मैं श्राप दे दूँगी जिसने मेरी शादी कराई है, जो भी मेरी बारात में आए थे मैं सब, मतलब कि पिछले 15 साल औरतें इतनी नाराज थी, कहती मैं सबको श्राप दे दूँगी, मामे को श्राप दे दूँगी, चाचे को श्राप दे दूँगी, जिन्होंने भी मेरी शादी कराई, जो भी मेरी बारात में आए थे उन सबको श्राप दे दूँगी। औरतें इतनी तंग थी पता नहीं क्यों, मतलब वो शनि तुला में था, कन्या का चक्कर था, शत्रु वृद्धि थी। तो इस धरती की जितनी औरतें ना अपनी विवाह से ना खुश थी पिछले 15 साल,
और उनके मन में आता था सबको श्राप दे दो, मामे को श्राप दे दो, चाचे को श्राप दे दो। मुसीबत क्या है, मेरे को कई औरतों ने बोला कि उन पर्दों को श्राप दे दो जिन्होंने मेरे फेरे कराए थे। अभी समझ में, कई औरतों ने मेरे को बोला, कहते राजकुमार इतना गुस्सा चढ़ता है कि जिस पंडित ने फेरे कराए थे उसे श्राप दे दूँ और जिसने रिश्ता कराया था उसे श्राप दे दूँ। जितने बराती आए थे ना मेरे, बरात की वो देखती है वीडियो रील, कहते जितने बरात में आया था मेरा दिल करता है मैं सबको श्राप दे दूँ। कहती शुक्र कर मैंने अपने आप को रुका हुआ है कि मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। तो विवाह में श्राप, जीवन साथी का श्राप, सारे एक दूसरे को श्राप देने लग रहे हैं। अभी दूल्हे दूल्हा परिवार है, दुल्हन परिवार है, दोनों के मन में आ रहा है श्राप दे दें। दूल्हे को लगता है दुल्हन ठीक नहीं मिली, दुल्हन को लगता है दूल्हा ठीक नहीं मिला, दुल्हन को लगता है दुल्हन के दूल्हे के रिश्तेदार ठीक नहीं है, दूल्हे के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार ठीक नहीं है, और दुल्हन को दूल्हे को लगता है दुल्हन के परिवार के रिश्तेदार ठीक नहीं है। आपस में 15 साल से ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी समझ लो, व्यापार और साझीदार, व्यापार और साझीदार से भी ना पिछले 15 साल से मतलब पता नहीं कह नहीं सकता। सार्वजनिक नहीं जीवन, एक टाइम था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था, रोज़ पार्क रोल में ब्रेकफास्ट करते थे, हयात में डिनर करते थे, हयात में लंच बुफे, सबने जो है मेंबरशिप ली हुई थी पार्क रॉयल की, हयात की, ताज होटल की। मैं समझ ले महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन ब्रेकफास्ट करता था पार्क रॉयल में, लंच करता था हयात में, और डिनर मेरा होता था मौर्या में। एक साल में लगातार अशोका होटल में रहा, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन। एक साल मेरी ज़िंदगी का ऐसा था बेटर देन बेस्ट, एक साल लगातार अशोका होटल में काम करता रहा, और एक साल ऐसे ही रोज़ पार्क रॉयल ब्रेकफास्ट पार्क रॉयल में, कभी मर्सिडीज, कभी BMW, कभी लैम्बोर्गिनी। तब जो समझ ले शनि में शुक्र की दशा चल रही थी, शुक्र की दशा ने ना गाड़ी वाड़ी सब कुछ बढ़िया बेटर देन बेस्ट। पार्क रॉयल जा रहा हूँ BMW से, तुम्हारा हयात जा रहा हूँ लक्सस से, और फिर जो है लैम्बोर्गिनी क्या, लिमोजिन क्या, मतलब ये सारी गाड़ियों की फुल मौज थी। सार्वजनिक जीवन ना बेटर देन बेस्ट था 30 साल पहले, तो वो ना आज से योग लगा है। आज से तो समझ लो सिचुएशन ये है कि खाना कभी सोफिटल सूर्या में, कभी लोटस पॉन्ड में, मैं लोटस पॉन्ड को बड़ा याद करता हूँ, लोटस पॉन्ड का चाइनीज़ बड़ा याद आता है मुझे। तो सारे दोस्त यार ना बड़े मतलब ऐसे मिलते थे, 15-20 दोस्त यार खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। 30 साल पहले कभी लोटस पॉन्ड में खाना खा रहे हैं, कभी सोफिटल सूर्या में खा रहे हैं, कभी पार्क रॉयल में, कभी हयात में, कभी वहाँ, कभी रेडिसन में, फुल सेलिब्रेशन। तो वो वाला टाइम अब 15 साल के लिए आ रहा है। तो विवाह में जो वो ब्राइड एंड ग्रूम कह रहे थे हम कर्ज कर देंगे सारे रिश्तेदारों को, जीवन साथी कह रहा था कर्ज कर देंगे, जैसे गालियां नहीं दे रहे थे कि जिसने मेरी शादी कराई बड़ा गर्क कर दिया। तो 15 साल ऐसे ही थे। 8वां घर है आयु मृत्यु गुप्त बातें रिसर्च रहस्य है। और 8वां घर होता है आदमी इस धरती पे जिंदा कितना रहेगा, और गुप्त बातें सीक्रेट रिसर्च रहस्य है। मेरा केतु यहीं बैठा हुआ है और केतु की दिशा लगी हुई है। टेक्निकली 8वें घर का केतु अच्छा माना जाता है, मेरा केतु है विशाखा नक्षत्र में, तो भगवान की दया से लग रहा है सही जाएगा। और 9वां घर होता है गुरु का, भाग्य का, धर्म का, तीर्थयात्रा का, उच्च शिक्षा का। गुरु का आशीर्वाद अब फलेगा, कोरोना में तो मंदिर ही बंद हो गए थे, कोरोना में तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, डिमोनेटाइजेशन हो गई थी ना नोटबंदी, भी नोटबंदी में गुरु का आशीर्वाद नहीं चला, भाग्य नहीं चला, धर्म नहीं चला, तीर्थयात्रा नहीं चली, उच्च शिक्षा नहीं चली। तो जब नोटबंदी हुई और कोरोना आया तो गुरु, कोरोना में गुरु से मिलने कौन जाता, कोरोना के टाइम पे तो लोगों ने नरातों में कंजके तक नहीं बिठाई, ज़्यादातर मंदिरों में मंदिर बंद हो रखे थे, मंदिरों में तो 147 वाले खड़े हुए थे। तो गुरु का आशीर्वाद जीरो, भाग्य का आशीर्वाद जीरो, धर्म जीरो, तीर्थयात्रा जीरो, तीर्थयात्राएं भी जो है बंद थी जब कोरोना परोना आया था, तो वो निकल गया। गुरु का आशीर्वाद जीरो, भाग्य जीरो, धर्म जीरो, तीर्थयात्रा जीरो, उच्च शिक्षा जीरो, उच्च शिक्षा जीरो। भाई जब अमेरिका में, कनाडा में, इटली में इतने लोग मर रहे थे उसमें,
कोरोना में, तो उच्च शिक्षा के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया को कैसे जाएगा, इटली कैसे जाएगा, लंदन कैसे जाएगा, हाल इतने ख़राब थे। तो धनु राशि बिगड़ी हुई थी, राहु जब आया था ना आद्रा नक्षत्र में, तो गुरु का आशीर्वाद 0/0, भाग्य 0/0, धर्म 0/0, तीर्थयात्रा 0/0, उच्च शिक्षा 0/0। कोरोना में तो लोग क्वारंटाइन हो रखे थे, इंजेक्शन लगवाने लग रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और समझ लो घर के लोग जो अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे, घर में चार लोग हैं तो चारों अलग कमरों में बैठे हुए हैं, मतलब जान निकली पड़ी थी। आयु मृत्यु गुप्त रिसर्च लोग जो है रिसर्च करने लग रहे थे, जान के लाले पड़े हुए थे। तो शनि जो दसवां घर है, कर्म पेशा, समाज में प्रतिष्ठा और सरकारी काम, ये ना अब ठीक हो जाएगा। कर्म जो है ना आज से ठीक हो जाएगा, समझ लो 21 सितंबर 9:30 के बाद। कर्म बेटर देन बेस्ट, पेशा बेटर देन बेस्ट, समाज में स्थिति अब ना मान सम्मान बढ़ेगा, इंटरनेशनल अमेरिका में इज्जत बढ़ेगी, लंदन में इज्जत बढ़ेगी, स्विट्ज़रलैंड में इज्जत बढ़ेगी, दुबई में इज्जत बढ़ेगी, सारी जगहों पे इज्जत बढ़ेगी। कर्म बेटर देन बेस्ट, पेशा बेटर देन बेस्ट, समाज में स्थिति बेटर देन बेस्ट, सरकारी कामकाज बेटर देन बेस्ट, और इनकम के लिए बेटर देन बेस्ट है। 11वां शनि ना 11 नंबर में चल रहा है, 11 नंबर में शनि करने का मतलब है कि आने वाले टाइम में लोगों की इनकम ना समझ लो 11 गुना बढ़ जाएगी। इनकम प्रॉपर्टियों में इनकम बेटर देन बेस्ट, जिसे 5 लाख किराया आता है उसे 55 लाख आएगा। इनकम बेटर देन बेस्ट, लाभ प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट 5 लाख महीने का, उसका प्रॉफिट 55 लाख महीने का हो जाएगा। मित्रों से रिलेशन बेटर देन बेस्ट, जैसे पहले था कि कभी खाना लोटस बोर्ड में, कभी सोफिटल सूर्या में, कभी पार्क रॉयल में, कभी हयात में, कभी ताज में, कभी अशोका में, कभी रेडिसन में, तो आए बेटर देन बेस्ट, आए 11 गुना, लाभ 11 गुना, मित्र 11 गुना। 11 नंबर में शनि है, आकांक्षाएं A to Z सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसकी इच्छा थी ड्रीम लाइनर में जाना है, चला जाएगा। किसी की इच्छा थी प्रेसिडेंट सूट में रहना है, रह जाएगा। किसी की इच्छा थी वर्ल्ड टूर करना है, हो जाएगा। किसी का था गुच्ची के कपड़े पहनने हैं, हो जाएगी। मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है। आने वाले टाइम में शनि मार्गी हो रहा है 15 नवंबर को, इस धरती पे सबसे ज़्यादा जो कारें बिकेंगी ना, BMW, फरारी, मर्सिडीज, और महंगे घर, 10 करोड़ का घर, 50 करोड़ का घर, 100 करोड़ का घर, 150 करोड़ का घर, 200 करोड़ का घर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टियाँ बिकेंगी 15 नवंबर को शनि जैसे ही मार्गी होगा। इनकम 11 गुना, लाभ 11 गुना, मित्रों से प्यार, लव विद फ्रेंड्स, एल्डर ब्रदर्स, एल्डर्स, आकांक्षाएँ। इस धरती का कोई आदमी ये नहीं कहेगा मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। जो BMW लेना चाहता था, ड्रीम कार थी BMW, हो जाएगी। ड्रीम कार थी मर्सिडीज़, हो जाएगी। सारे सपने पूरे हो जाएंगे, गुच्ची के कपड़े डालने थे, अरमानी वर्साची के डालने थे, हो जाएंगे। सारी आकांक्षाएँ जो हैं 15 नंबर के बाद शनि पूरी कर देगा। बड़े भाई बहन जो एल्डर्स हैं, बैंथू फ्रेंड्स, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन रिटायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स, तो उम्र में जो बड़े लोग हैं उनसे फुल सहयोग मिलेगा, फुल कुछ मिलेगा। 12वां घर है व्यय, हानि, आध्यात्मिक मुक्ति, अस्पताल, विदेशी। राहु चल रहा है यहाँ पे, राहु जो चल रहा है ना ये खर्चे के लिए परेशान है, बिजली का बिल देना है, पैसे नहीं है, वाशिंग मशीन की मोटर ठीक करानी है, पैसे नहीं है, इन्वर्टर लगवाना है, पैसे नहीं है, रेंट देना है, पैसे नहीं है। व्यय, राहु बैठा है मीन में, मीन राशि है खर्चे की, राहु बैठ गया, खर्चा खर्चा खर्चा। हानि में है कि बल्कि हर चीज़ में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो राहु जब तक मीन में है ना 12 नंबर में, व्यय ज़्यादा रहेगा, व्यय की चिंता रहेगी, हानि की चिंता, आदमी को डर लगा रहता है नुकसान ना हो जाए, खर्चा ना हो जाए। आध्यात्मिक मुक्ति, मुक्ति में हालत ये है, जो लोग पूरी ज़िंदगी में मंदिर नहीं गए, आजकल शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, कोई शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, कोई पाठ कर रहा है, किसी ने गुरुद्वारे का चलिया रखा है, किसी ने मंदिर का चलिया रखा हुआ है, जिन्होंने जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक भगवान का नाम नहीं लिया, वो भी शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं कि शायद कुछ कोई कहानी बन जाए। तो व्यय की चिंता राहु की वजह से, हानि की चिंता मीन में, आध्यात्मिक मुक्ति मीन का राहु, अस्पताल, अस्पतालों में किसी टाइम पे लोग एक बेड के लिए ना 20-20 लाख रुपए देने को तैयार थे, जितने हॉस्पिटल हैं फुल थे,
वो ऑक्सीजन की मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ी, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी शायद ब्लैक में मिल रहे थे, और वो विदेशों से जो है ऑक्सीजन का वो मंगाना पड़ा, और 20-20 लाख रुपए तक जो है आदमी अस्पताल का जमा कराने को तैयार था। तो व्यय की चिंता, हानि की चिंता, आध्यात्मिक मुक्ति, तो मंदिर मंदिर जा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, अस्पताल, दवाइयाँ, कोरोना में आई थिंक लोगों ने दवाई दुई भी खाई होगी, मेरे को याद नहीं है, विदेश से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आई थिंक इफेक्टेड था, हवाई जहाज़ भी इफेक्टेड थे, इंटरनेशनल एयरलाइंस भी इफेक्टेड थी, पानी के जहाज़ भी इफेक्टेड थे, विदेश व्यापार भी इफेक्टेड था, विदेशी लोग भी इफेक्टेड थे कि तुम विदेश नहीं जा सकते, विदेश वाले इंडिया नहीं आ सकते, NRI इंपोर्टर एक्सपोर्टर, US पासपोर्ट होल्डर या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर या यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर, तो चिंता सी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चिंता और अस्पताल की चिंता, व्यय की चिंता, हानि की चिंता, खर्चे की चिंता, एक्सपेंस की चिंता। तो ये प्रैक्टिकली आज से उम्मीद करो अगले 15 साल जो हैं बेटर देन बेस्ट जाएंगे, 15 साल जो हैं ठीक हैं मेरे को जो लगता है। और जो वृश्चिक राशि वालों की शादी होनी है या इस धरती पे पैसे का बड़ा लेन देन होएगा, वो होएगा 19-21 अक्टूबर को, इस धरती के मैक्सिमम जो मनी ट्रांजैक्शन है ना टॉप क्लास, उम्मीद करो 20 अक्टूबर से पहले पहले हो जाएंगे, 5-6 अक्टूबर को हो जाएं, 6-7 अक्टूबर को हो जाएं, धानी जो है बन जाएगी भगवान की दया से, और अच्छा जाएगा, लोगों की शिकायतें जो हैं दूर हो जाएंगी मेरे को लगता है।